नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीबीहेल्प। और आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रो ऑफ द वीडियो। अब मान लीजिए आपको ब्यूटेन दे दिया यानी कि C4H10, या फिर ब्यूटीन दे दिया C4H8, या फिर ब्यूटाइन दे दिया C4H6, या फिर साइक्लोब्यूटेन दे दिया C4H8, और इसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो पहले कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 0, दूसरे कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 1, तीसरे कंपाउंड या कि ब्यूटाइन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 2, और साइक्लोअल्केन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 1। अब आप इसमें एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हो कि हर दो हाइड्रोजन कम होने पर एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाती है। C4H10 से C4H8 बनने में दो हाइड्रोजन कम हुए हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक पॉइंट से बढ़ गई है। C4H8 से C4H6 में दो हाइड्रोजन कम हुए हैं तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक पॉइंट से बढ़ गई, यानी कि हो गई है 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और फ्रेंड्स, साइक्लोब्यूटेन बनाने के लिए ब्यूटेन यानी कि C4H10 से दो हाइड्रोजन निकाले हैं और रिंग बनाई है तो C4H8 बनेगा, तो इसमें दो हाइड्रोजन कम हुए हैं तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगी। अब आप एक और ट्रेंड नोटिस कीजिए कि C4H10 में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, और C4H8 में एक डबल बॉन्ड है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। C4H6 में दो डबल बॉन्ड है तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, और साइक्लोब्यूटेन में एक रिंग है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड याद रखिएगा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के रिगार्डिंग कुछ जनरल पॉइंट्स। तो हर दो हाइड्रोजन कम होने पे एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता है, एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है जैसा कि देखा था हमने साइक्लोब्यूटेन में, और एक डबल बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कंट्रीब्यूट करता है जैसा कि हमने देखा था ब्यूटीन और ब्यूटाइन में। अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब आपको बेंजीन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग टोटल मिला के 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। अब मान लो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको एंथ्रेसीन बोलते हैं, तो इसमें 7 डबल बॉन्ड है और 3 इंडिविजुअल रिंग है। इंडिविजुअल रिंग से मेरा मतलब है वो रिंग जिसके अंदर दूसरी रिंग नहीं है, वो सिर्फ अकेली है, तो इसमें 3 इंडिविजुअल रिंग है। तो 7+3=10 हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आ जाते हैं क्यूबीन पे। इसको क्यूबीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्यूब से बहुत मिलता है या फिर क्यूब जैसा ही है। तो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है N-1, जहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ फेसेस। क्यूब में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 6-1=5। अब मान लो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया क्यूबेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें क्यूबेन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 5 और एक डबल बॉन्ड है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगी 5+1=6। अब हम आ जाते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फॉर्मूले पे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है C+1(H+X-N)2। इसमें C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X है नंबर ऑफ हैलाइड्स एंड N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम C4H8 की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4+1=5-8/2=4, 5-4=1। तो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड या तो एक रिंग हो सकती है। तो ये सब कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम ही है, बस ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो हम किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू से। अब C4H6 की हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है और इसके स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने, तो इसमें 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 4+1-6/2=2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आने से कई स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज पॉसिबल है, या तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो इसमें 1 पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, या तो इसमें 2 रिंग हो सकती है। तो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू से कंपाउंड के आइसोमर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम C4H8Cl2 की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, तो इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 4 क्योंकि 4 कार्बन है +1 -8 क्योंकि 4 8 हाइड्रोजन है
+2 क्योंकि दो क्लोरीन है, -0 क्योंकि नाइट्रोजन एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5 - 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इसमें ना तो कोई रिंग रहेगी ना कोई डबल बॉन्ड रहेगा, ये कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें कोई और हाइड्रोजन नहीं आ सकते, इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हम C6H6 की डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 6+1 - 6/2 इक्वल्स टू 4। तो इसमें कई स्ट्रक्चर पॉसिबल है 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू आने से, या तो इसमें 4 पाई बॉन्ड 4 रिंग या 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग हो सकते हैं, बट इसका मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर बेंजीन होता है। तो हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो आपको बातें याद रखनी है वो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मेन फॉर्मूला, और हमने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए N-1 देखा था वो फॉर्मूला। तो ये सब अगर आपको याद हो गया तो आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट समझो हो गया। डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अमाइंस एल्कोहल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपको उसकी वीडियो देखना है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सब्सक्राइब टू द चैनल PCBhelp फॉर मोर ऑसम वीडियोज लाइक दिस, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो नो अवर न्यू चैनल हैज बीन स्टार्टेड फॉर योर हेल्प, एंड ऑल दिस बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम PCBhelp। आई पुट अ न्यू वीडियो एवरी सैटरडे एट 5 PM, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।